ये बिहार की चर्चित लोक कथा रेशमा चौहरमल के ऊपर आधारित है। और हमने अपनी इस फिल्म में जो उस समय जिस समय का ये कहानी है, उस सामाजिक असमानता, सामाजिक कुरीति थी, उस पर प्रहार करने का प्रयास किया है। जो दलितों के साथ भेदभाव उस समय अपनाए जाते थे, उसकी ये कहानी है। फिल्म की स्टार कास्ट कैसी होगी और कैसे कलाकार को आपने इसकी फिल्म के लिए आपने कास्ट किया, चुना, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। कलाकार को तो कास्ट कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से हमारे डायरेक्टर रघुवीर सिंह ने किया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें सभी उम्दा कलाकार हैं और सब ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और भारतीय फिल्म उद्योग को हम एक अच्छी फिल्म देने का सार्थक और सदा हुआ प्रयास किए हैं। क्योंकि बिहार की जो कहानी से इंस्पायर होती है फिल्म, तो मतलब किस तरह, कौन कौन से, कितने स्क्रीन्स में फिल्म को आप रिलीज़ करेंगे और बिहार में कितना प्रमोट करेंगे फिल्म को? अभी तो बात हुई है 7-8 स्टेट में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। 24 फरवरी को 550 थिएटर में एक साथ हमारी फिल्म रिलीज। बिल्कुल, ये जो मूवी है, ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला मूवी है। समाज में जो ये जाति पाति धर्म का ये भेदभाव है, ये छोटे तबके के लोगों को क्या उत्थान का कहानी है इस फिल्म में। मैं तो कहूँगा लोगों को कि इस फिल्म को देखें। और पूर्ण रूपेण सामाजिक मूवी है और लोगों को कर्णप्रिय संगीत सुनने के लिए मिलेगा और कुछ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा मूवी में। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इस मूवी को देखें और आनंद लें इसका। जब फिल्म की कहानी आपके पास आई थी, पटकथा आई थी, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आया था और समाज को किस तरह से बदलने का काम करेंगे? एक्चुअली यह एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। और ये जब इस कहानी का जब एक प्लेटफॉर्म मेरे पास आया था तो मैंने इस काफ़ी रिसर्च करवाया। लगभग 1 साल इसके ऊपर रिसर्च किया गया और काफ़ी लोग बिहार जाना आना और सारा ये किए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि दलितों के जो भगवान हैं आज के डेट में, उनको चौहरमल कहा जाता है, लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या किया, चूँकि अभी तक तो लोगों ने सिर्फ सुना है और अब उसको पर्दे पर देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि नहीं, हमारे जो भगवान है चौहरमल, उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ये सारा काम किया है। कोई सामाजिक गुट का कोई किसी ने आपके अगेंस्ट या फिर कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हुआ है फिल्म को लेकर? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं दलितों को लेकर, सामाजिक बातों को लेकर हो रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है? अभी तो लोग जैसे जैसे इस कहानी को जान रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो लोगों का ये जागरूकता आ रहा है। और जब मैं शूट कर रहा था इस मूवी को तो समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो लोग आए और बोले कि नहीं, ये शूट आपको, मूवी शूट नहीं करना है, ये शूट आपको रोकना पड़ेगा। काफ़ी कन्विंस करने के बाद, चूँकि मेरा शूट 5-6 दिन का बच गया था, मैंने काफ़ी कन्विंस किया, गांव के लोगों को समझाया कि ये किसी के जाति के ऊपर कोई प्रहार नहीं है, बल्कि ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला एक सिनेमा है। तब काफ़ी गाँव के लोग आए और उन्होंने समझाया लोगों को, जो उस टाइप के लोग थे, तब जा कर के उन लोगों ने मुझे शूट करने के लिए दिया। और अब तो ये मूवी तैयार है लोगों के सामने देखने के लिए और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आना चाहिए। जैसे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा इन जगहों पर फिल्म कितना रिलीज़ किया जाएगा? और अभी 550 थिएटर में सिनेमा रिलीज़ करने का ये प्रोग्राम है, जिसमें बिहार में 150 और बंगाल में 100, फिर आपको झारखंड, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये कुल मिलाकर के 550 थिएटरों में अभी पहले फेज में ये सिनेमा रिलीज़ किया जाएगा। और उधर फिर कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह में भी रिलीज़ मूवी होगी रिलीज़। मैं दिखने में ऐसा लगता हूँ कि एक्टर हूँ, बट मैं एक्टर बिल्कुल नहीं हूँ, दूर भी मेरा वास्ता नहीं है। मैं सिंगर हूँ। और आपने शायद मुन्नी बदनाम हुई सुना होगा। जी, वो मैंने ही गाया है। तो ये फिल्म तो मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो मेरे गुरु हैं। और मैंने जिनसे म्यूज़िक सीखा है, जिनसे तालीम ली है, डॉक्टर अश्विनी कुमार, ये उनका म्यूज़िक है। और मैंने इसमें 2 गाने गाए हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे गाने हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल गाने हैं। एंड अभी मैं सुन रहा था, बड़े अच्छे आए हैं। और क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है, बिहार के एक लव अफेयर के ऊपर बनी है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे अलग बात ये है कि ये अब रिलीज़ हो रही है 2017 में, लेकिन जब आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको ख़ुद को अच्छा लगेगा सुन के। आज के शोरगुल नहीं है इसमें, आज का जो शोरगुल है वो नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मिठास है, बहुत अच्छा मेलोडी है और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। एक तरफ आप गाते हैं मुन्नी बदनाम की और दूसरी तरफ आप इतने सेंसिटिव गाने गाते हैं, तो इस तरह जब ट्रांजिशन होता है एक सिंगर के लिए कितना अलग होता है? सिंगर का काम ही है, चाहे वो एक्टर हो चाहे सिंगर हो, ये काम है। जिस तरह आपका काम है, आप मुझसे भी पूछ रहे हो, आप हरिप्रसाद चौरसिया जी से भी पूछोगे, आप अमिताभ बच्चन से भी पूछोगे, और तो ये तो हमारा काम है। मुन्नी बदनाम मैं एक्चुअली कभी भी नहीं चाहता था कि मैं डांस नंबर गाऊं या आइटम सॉन्ग्स गाऊं, लेकिन वो मेरे हिस्से आया और मैंने गाया और ऊपर वाले के कर्म से अच्छा हुआ। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू सिंग रोमांटिक नंबर्स, बट वो कहते हैं ना, एक स्टैम्प पड़ जाता है तो फिर सब लोग वही चाहते हैं। फिर उसके बाद बेशरम में गाने आए, दारू पी के डांस आया। ये गाना है मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है, बड़ा बहुत इमोशन है, मैं खुद से भी बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो मेरे लिए टफ़ नहीं था, मेरे लिए वो टफ़ था। कोई गाना आप गाना चाहेंगे? सर लुक सेंटर, सर आप वहाँ देखो तो लुक प्रोफाइल आ रहा है। किधर देखो सेंटर। अच्छा, मैंने कहा ज़्यादातर आपका लुक सर सेंटर होना चाहिए। ओके, हाँ जी। मैं उन अश्विनी जी आ जाएँ तो साथ में गुनगुनाएं, क्योंकि लिरिक्स उनको बराबर याद होंगे। अच्छा, तो मुन्नी वाला आप एक बार। मुन्नी यहाँ पर मैं क्या करूँगा गा के, हम तो यहाँ पे चलेगा। है तुझ में पूरी बोतल का नशा, ढलते बुढ़ापे को कर दे जवां, होठों पे गाली तेरी आंखें दो नाली भेदे हैं जिया, तू एटम बम। आपको याद है फिर आज का? बिल्कुल, ये सच्ची घटना पे आधारित है और बिहार की लोक कथा है ये। उस पर बहुत सारे प्ले हुआ करते थे और उस पर फिल्म बनाने का ये प्रयास है। हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। अब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सच में बहुत बड़ी हिट फिल्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ये निसंदेह बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ मुंबई से भी बहुत सारे कलाकारों ने इसमें अपना योगदान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार से बिहार के प्रोड्यूसर मुंबई आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुंबई आके उन लोगों ने फिल्म निर्माण का ये काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हम जैसे कलाकारों को इसकी वजह से मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म को लेकर क्या उम्मीदें हैं बिहार और यूपी की जनता से लेकर? बिल्कुल, ये बिहार और यूपी की जनता की ही फिल्म है, उन्हीं की स्टोरी है। हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सीन भुगतते हैं, जो ये मतलब ज़िंदगी की सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई है और उसी सच्चाई पर आधारित ये फिल्म है। इसलिए बिहार झारखंड समेत, यूपी समेत बहुत सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी फिल्म साबित होगी। ये हम लोग का प्रयास है, बाकी भगवान की कृपा और आप लोग का सहयोग। थैंक यू सो मच। बाकी में एक रियलिस्टिक, हमने रियलिटी को उठा के बनाने की कोशिश की है और इस मूवी से एक समाज को एक अलग मैसेज मिलेगा कि भाई हमारी लाइफ में सक्सेस हमारी समाज है, सक्सेस हमारी जाति है, तो आप सक्सेस की ओर बढ़ते जाइए। आप अगर आप बड़े हैं, आप अगर सक्सेस हैं तो सभी लोग आपके आसपास हैं। अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो हर आदमी आपकी जाति के बारे में पूछेगा। भेदभाव जो बढ़ रहा है वो बिकॉज गरीब लोगों के लिए, किसी बड़े या सक्सेसफुल आदमी के लिए नहीं है। तो हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की। बाकी चैलेंजिंग तो रहता है बिकॉज हम अगर रियलिटी को टाके तो हर आदमी उस नज़र से देखता है कि ये रियलिस्टिक होगा, इसमें रियलिटी है, हर चीज़ रियलिस्टिक देखने को मिलेगी। तो आप उसको प्रेजेंट करना एक अपना अपना बहुत टफ काम है, फिर भी हम लोगों ने एक कोशिश की है। मेरी यूनिट एंड सब लोगों का सपोर्ट रहा, तो एक अच्छी मूवी आप लोगों को देखने को मिली। कास्ट का लुक हमने देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो कास्ट का सिलेक्शन था उससे उनके बारे में जानना चाहेंगे और कितनी उम्मीदें आप बांध कर रख रहे हैं इन कलाकारों से? बिल्कुल, एक मूवी का या कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो कास्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो हम लोगों ने उस पर वर्क किया, देखा एंड एक बहुत अच्छे एक्टर्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको बिल्कुल हर कैरेक्टर एक रियल लगेगा, एक रियलिस्टिक लुक लगेगा, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस भी सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि आपको रियलिस्टिक हर तरीके से एक रियलिस्टिक टच मिले। मेरा एक भी कोई भी कैरेक्टर है, अगर गाँव वाला भी है और रोड पर बैठा हुआ तो उसमें भी आपको एक सच्चाई नजर आएगी, वो भी एक रियलिस्टिक कैरेक्टर लगेगा। क्योंकि फिल्म सामाजिक मुद्दे पर है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंटरफेरेंस तो आती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई सामाजिक ग्रुप हो। कोई ऐसा इंटरफेरेंस आया है डायरेक्शन के टाइम, कुछ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, डायरेक्शन के टाइम पे मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लोग एक जात पात का जो भेदभाव लेके चलते हैं, जी जी, अगर हम उस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ मैं एक ऐसी जगह शूट किया जहाँ ये बहुत कुछ मतलब मायने रखता है और बहुत चीज़ें फैली हुई है, तो बहुत लोग इसके खिलाफ थे, बहुत लोगों ने इसको मतलब रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने एक अपने तरीके से किसी को पता नहीं चलने दिया और शूट किया। तो अब फाइनली अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक अच्छा मैसेज। कन्विंस तो क्या होगा, तो किस तरह कन्विंस हुआ आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई देखिए कुछ नहीं है समाज, आप मैं उन लोगों के सामने एक उदाहरण भी दिए, कई लोगों के जो सक्सेस लोग हैं, आप उन मैंने कि भाई आप उनको देखिए, अगर वो सक्सेस लोग हैं और आप उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ खाते बैठते हैं, एक गरीब आदमी के लिए जात पात क्यों, तो आप वो देखिए तो वो लोग नहीं आए, सही है। तो हम वो एक मैसेज देने की कोशिश करें कि भाई आदमी को आप नॉर्मली हर इंसान यहाँ आया है उसको जाति पाति की नज़र से मत देखिए, आप उसको सक्सेस, आप उसको एक व्यक्ति की नज़र से देखिए। बिहार, यूपी, झारखंड, ये यहाँ की जनता से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें वहाँ पर होती है, दिखाई देती है, सामने आती है, क्या उम्मीद है? मैं बिहार, झारखंड, यूपी नहीं, मैं सभी जगह की जनता से यही अपील करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं जाति पाति को लेके, जो भी हम किसी व्यक्ति को उस तरीके से ना देखें, हर किसी की हेल्प करें, एक समाज में समानता के साथ में रहें और एक अच्छा मतलब एक साथ रह के आगे बढ़ें। कि सबसे खुशी की बात यह है कि इस मुद्दे पर एक फ़िल्म बनी है जो अभी रिलीज़ होने के लिए तैयार है, आज उसका म्यूज़िक लॉन्च है। ऐसे मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख़ में भी अगर इस सब्जेक्ट पे हमें फ़िल्म बनाने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मेरा ये मानना है कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस मुद्दे पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी सुदूर के गांव में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हो सकता है पूरे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अभी भी अगर फिल्म के ज़रिए, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में एक बहुत बड़ा आज की तारीख में जो है ये एक टूल माना जाता है सिनेमा, और इस सिनेमा के थ्रू अगर हम लोगों में थोड़ा सा जागरण पैदा कर सकें तो ये बड़ी अच्छी बात है, और ये उसी के तहत एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को डेफिनेटली प्रभावित करेगी और लोग इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, फिर भी इतनी अच्छी फिल्म बनने जा रही है, उसके बावजूद हमने ये सुना कि ब्राह्मणिक समाज है, उन्होंने फिल्म को लेकर रेसिस्टेंस अपना दिखाया है, आप एज आर्टिस्ट कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये कहना है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के अगर प्रतिक्रिया होती है, अगर उसका विरोध किया जाता है तो सबके अपने अपने मसले होते हैं। लेकिन जहाँ तक सामाजिक क्रांति की बात है, सामाजिक परिवर्तन की बात है, तो जो इस मुद्दे पे काम करने वाले लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। आज समाज बदल चुका है, आज बहुत सारी चीज़ें अगर बदली नहीं हैं तो भी प्रक्रिया में हैं, वो उस प्रोसेस में हैं, तो प्रतिरोध तो होता है, विरोध होता है। विरोध और भी कई सारी फिल्में होती हैं जिनमें हो सकता है एक अभी अगर ब्राह्मण वर्ग विरोध कर रहा हो, कभी एक दूसरे तरह का विरोध होता है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग सामाजिक परिवर्तन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अब 21st सेंचुरी में अब दलित और ये वो इस तरह की बात चीज़ें पसती नहीं है। ओके, आपकी फिल्म की हम बात करेंगे जो 26 जनवरी का समय होगा, जी, वो मेरे ख्याल से हम आपको देखने वाले हैं बड़े पर्दे। मुझे दरअसल आप रईस में भी देखेंगे और मुझे काबिल में भी देखेंगे, दोनों ही फिल्मों में, एक में मैं कॉप बना हुआ हूँ, एक में मैं मुंबई डॉन बना हुआ हूँ। तो दोनों ही फिल्में जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ तक एंटरटेनमेंट का मामला है दोनों ही फिल्में आपको एंटरटेन करेंगी। दो अच्छी अच्छी फिल्में जब एक ही दिन रिलीज़ होती हैं और अगर 4-5 दिन का समय मिलता है, तो इस समय जबकि अच्छी फिल्मों का अभाव है, अच्छी फिल्मों के लिए लोग वेट करते हैं, वहाँ पर दो अच्छी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दर्शक इसको एंजॉय करने जा रहा है। एक्टर के लिए कितना बड़ा पल हो जाता है जब एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज होती है और अपोजिट रोल्स होते हैं, एक चोर पुलिस जैसा हो जाता है, यहाँ देख रहा है यहाँ तो पुलिस है, यहाँ जी एक्टर के लिए वो एक एक्टर के लिए वाकई खास एक तरह का चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि एक फिल्म में जो है आप डॉन बने हुए हैं, जहाँ पर आपको पुलिस से ख़तरा है, जहाँ पर आपको दूसरे ग्रुप से ख़तरा है। दूसरी फिल्म में जो है आप पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं जब लोगों को खदेड़ रहे होते हैं। तो एक एक्टर के लिए ये चैलेंज वाली बात होती है। और जहाँ तक एक्साइटमेंट की बात है, मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट जो है बड़ा ही कंट्रोल्ड है, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं यही काम करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाता। तो लेकिन एक्साइटमेंट ज़रूर है। मैं इस बात के लिए बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि एक ही दिन में मेरी दो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और दोनों ही बड़ी अच्छी फिल्में हैं। बॉक्स ऑफिस को आप किस तरह देख रहे हैं? दो फिल्में हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो नुकसान होना है। नुकसान मैं दरअसल नुकसान की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं फ़ायदे की तरफ देखता हूँ। इससे पहले भी दो फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई, दो बड़ी फिल्में। बहुत पहले सनी सर की फिल्म रिलीज़ हुई थी और उसके बाद जो है आमिर खान साहब की फिल्म एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने कमाल का बिज़नेस किया था। तो इस बार भी मेरे ख्याल से कुछ वैसा ही होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में बहुत बड़े स्टार्स हैं और दोनों ही फिल्में बड़ी ही अच्छी फिल्में बनी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली अच्छा होता कि लोगों को जो है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, हो सकता है उनको कुछ एक और फ़ायदा होता। लेकिन फिर भी दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, उसके बावजूद भी दोनों फिल्मों को बहुत ही फ़ायदा होगा डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा लगाव आपका किस पे? मेरे लिए तो दोनों ही फिल्में ख़ास हैं, दोनों ही जो सुपरस्टार्स हैं दोनों ही मेरे लिए ख़ास हैं, दोनों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो किसी के लिए कुछ कह देना जो है वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यकीन मानिए, मैं आपको माय हार्ट इज़ द टेस्टिमनी टू व्हाट आई से कि दोनों ही सुपरस्टार्स बड़े ही काबिल तारीफ़ हैं और दोनों ने मुझे बहुत भरपूर सहयोग दिया है, प्यार दिया है। तो दोनों ही फिल्में मेरे लिए बड़ी ही करीब हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आने वाले समय में और किस फिल्में में एक और फिल्म है जिसका नाम है 2016 द एंड, जो फिल्म मेरे ख्याल से फरवरी में रिलीज़ हो रही है। उस फिल्म में भी मैंने कॉप का कैरेक्टर किया है। उसके अलावा जो है एक और फिल्म मैंने विराम की शूटिंग की है, वो फिल्म जो है मेरे ख्याल से मार्च में रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा 2-3 और फिल्में हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ईश्वर की कृपा है, उनका ग्रेस है और ये मोमेंट जो है बड़ा ही अनोखा है, बहुत ही बढ़िया है।